बड़ी खबर दिल्ली से, जहां गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर बैठक चल रही है। एकनाथ शिंदे अमित शाह के घर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी वहां मौजूद हैं। शिंदे ने कहा कि उनके लिए लाडला भाई होना किसी भी पद से बड़ा है। माझी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की आता कुठलाही अडथळा महायुतीचा मुख्यमंत्री होण्यामध्ये नाहीये। लाडकी बहीण लाडक्या बहिणीच्या बद्दल माझी बोललोय मी। त्यामुळे लाडका भाऊ दिल्लीत दाखल झालेला आहे आणि लाडका भाऊ ही ओळख माझी सगळ्या पदांपेक्षा मोठी आहे। त्यामुळे दरअसल राजनीति में कुछ बातें सही सही भी अगर कही जाएं तो उस मौके को देखते हुए उन बयानों पर संशय भी होता है और होना लाजमी भी है। सीधे आपको उसी जगह लिए चलते हैं जहां पर इस समय ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें से मुमकिन है निकलकर सामने आए कि मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का अगला। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक सिंघल इस समय जुड़ रहे हैं। अशोक जी, ये बताइए कि क्या आज निर्णय हो सकता है, क्योंकि जीत के बाद, महाराष्ट्र की जीत के बाद ये तीनों चेहरे दिल्ली में एक साथ अमित शाह से मुलाकात करते हुए एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि मैं रास्ते का रोड़ा नहीं हूं, अड़चन नहीं हूं, जिसको भी चाहे मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन क्या इसका सीधा मतलब देवेंद्र फडणवीस ही निकल रहा है या फिर अभी इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है? देखिए, अभी जिस दिन से एकनाथ शिंदे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि जो बीजेपी तय करेगी, मोदी और अमित शाह तय करेंगे, उनको मंजूर होगा, वो पूरा साथ देंगे और कोई उनको अड़चन नहीं है। उन्होंने 2.5 साल मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, वो लाडली बहना के लाडले भाई बन चुके हैं, इससे ज्यादा उनको और कुछ नहीं चाहिए। और अजीत पवार पहले स्पष्ट कर चुके हैं और आज ये फाइनल मीटिंग है। और अभी मैं श्वेता आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे थोड़ी देर पहले ही अमित शाह के घर पहुंचे और जेपी नड्डा पहले से बैठे हुए हैं, तो तीनों की बैठक चल रही है। और थोड़ी देर के बाद 10:15 बजे के करीब कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार यहाँ इस बैठक में शामिल होंगे और आज ये फैसला हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है और बीजेपी किसको आगे बढ़ाने वाली है। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर, और आगे क्या क्या होगा, कौन डिप्टी सीएम होंगे, अजीत पवार डिप्टी सीएम के तौर पर नाम आ रहा है, एकनाथ शिंदे का नाम भी आ रहा है, तो ये तमाम चीजें इसमें फाइनल होने की उम्मीद है कि फाइनल होकर के और कल ये लोग मुंबई जा करके इसका घोषणा कर सकते हैं और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। ऑब्जर्वर दिल्ली से जाएंगे बीजेपी के, लेकिन आज बाकी चीजों के बारे में कैबिनेट को लेकर के क्या क्या होगा पूरी डिटेलिंग पे बातचीत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात यह है श्वेता कि एकनाथ शिंदे के साथ अलग से ये बैठक चल रही है। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार नहीं है, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सुनील तटकरे जो है एनसीपी के सांसद है, उनके घर पर करीब पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं, वहां पे वो लोग खाना भी खा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन फाइनल बैठक अमित शाह के घर पे होनी है, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे के साथ वो अलग से चर्चा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।